हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और दोनों के अंदर क्या फर्क होता है, ये सब चीजें हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध होगा। देखिए, दो यहां पर रासायनिक परिवर्तन और फिजिकल परिवर्तन, यानी कि रासायनिक और जो हमारे पास फिजिकल जो है, फिजिकल और केमिकल जो परिवर्तन होता है, उसके बारे में हमारे को बताना है कि ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस प्रकार से इनको परिभाषित कर सकते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, दो बात आई है, एक तो रासायनिक और एक होता है भौतिक। भौतिक का मतलब तो अगर किसी चीज के आकार वगैरह के अंदर हम चेंज करते हैं, आदि के अंदर चेंज कर दें और इसके अंदर उसके गुणों के अंदर चेंज कर दें, गुणों में परिवर्तन। अगर जैसे किसी चीज के गुणों के अंदर ही चेंज हो जाए तो वो तो कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और अगर जैसे उसके गुण तो समान है लेकिन उसके आकार वगैरह के अंदर चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अब गुरु जी समझ में नहीं आया, कैसे समझाना चाहते हो? देखिए, लकड़ी जो है उसको हमने क्या किया, जलाया। जलाने से हमारे को क्या मिली, राख मिली। ठीक है, लकड़ी और राख, क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं क्या, दोनों के गुण एक ही हैं क्या? नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक। लेकिन हमने एक लिया नींबू, ठीक है, पूरा नींबू था कंप्लीट, उसको हमने काट दिया, पांच टुकड़ों में काट दिया और कितने टुकड़े हो गए, पांच टुकड़े हो गए। अब क्या ये जो नींबू है ये काटने के बाद भी नींबू ही रहेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, नींबू ही रहेगा। तो इसका मतलब नींबू में जो गुण पाए जाते हैं वही इसके टुकड़ों में गुण भी पाए जाएंगे क्या? बिल्कुल पाए जाएंगे। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। हम केवल जो पूरा नींबू था उसका आकार में परिवर्तन कर दिए हैं। तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन और ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर दिखा भी रखा है कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे नींबू को हमने काट दिया, और केमिकल में क्या होगा, हमने एक लकड़ी को जलाया और राख बन गई। तो ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अब इसकी परिभाषा वगैरह देख लेते हैं। पिछले पाठ में हम सभी ने पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया, जिन गुणों का अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक आदि जो होते हैं, ये भौतिक गुण होते हैं। अगर ये गुण जो है वो परिवर्तित होते हैं केवल, और रासायनिक गुण कौन से होते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वे परिवर्तन पदार्थों किसी भी संगठन में बिना कोई परिवर्तन किए और उनकी रासायनिक प्रकृति भी अपरिवर्तित होती है। रासायनिक प्रकृति अगर चेंज हो गई तो उसको तो हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, और अगर रासायनिक परिवर्तन जो है वो सेम है और कोई चेंज हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे भौतिक परिवर्तन। चूंकि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, तीन चीजें हैं, एक तो है बर्फ, एक है पानी और एक है वाष्प, तीनों अलग अलग चीज हो गई, लेकिन उनके गुण की बात करें तो तीनों में सेम है। अगर बर्फ है तो भी वो पानी H2O ही है, जल है वो भी H2O है, और वाष्प है उसका भी फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा, H2O। तो यहाँ पे उनके रासायनिक जो गुण है वो क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, केवल वो बर्फ से द्रव में बदला है, द्रव से किस में बदला है, गैस के अंदर या वाष्प के अंदर बदला है। तो यहां पर कौन सा परिवर्तन हो गया,
फिजिकल परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन। ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। यहाँ पर रासायनिक जो गुण है वो तो समान है लेकिन उसकी भौतिक जो अवस्था है, उसकी जो भौतिक गुण है, एक बर्फ है, एक जल है यानी कि पानी है और एक वाष्प है, तो उसके भौतिक गुण तो चेंज हो गए लेकिन उसके रासायनिक गुण चेंज नहीं हुए। अब इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनके अंदर अंतर क्या होता है, यानी कि फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला तो है ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब आपने इस तरफ यहां से शुरू किया, यहां पर गए और वापस अगर यहां पर आ सकते हो तो ये हो गया उत्क्रमणीय। कैसे? जैसे हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पर क्या किया, बर्फ है हमारे पास, ठीक है, इसको बदल दिया पानी में और पानी को किस में बदल दिया, वाष्प के अंदर, ठीक है। ये इस तरफ जा रही है प्रक्रिया। क्या हम वाष्प को वापस से पानी में चेंज कर सकते हैं? क्या हम पानी को वापस से बर्फ के अंदर चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ समान रूप से चलती है, बर्फ से वाष्प बन सकती है, वाष्प से बर्फ दोबारा बन सकती है। इसको जमाएंगे तो पानी बन जाएगा, इसको और जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय। लेकिन रासायनिक में क्या होगा, जैसे लकड़ी जो है उसको जलाया और जलाकर हमारे पास क्या आ गई, राख। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर ले, राख से लकड़ी वापस से नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो तो कौन सा होता है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि वापस से उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है वो होता है उत्क्रमणीय, यानी कि इसको रिवर्स में वापस चलाएंगे तो जो हमारा मूल पदार्थ था वो वापस से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, ये तो हो गया उत्क्रमणीय और वो हो गया अनुत्क्रमणीय। इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। बर्फ को जब द्रव में चेंज कर रहे हैं और द्रव को जब वाष्प में चेंज कर रहे हैं तो दोनों अवस्था के अंदर क्या है, H2O ही है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। लेकिन यहां पर नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। कैसे? जैसे हम लकड़ी को जलाकर राख बना रहे हैं, तो लकड़ी और राख दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तो वहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित ही रहता है। अगर इसका कुल द्रव्यमान देखेंगे तो वो क्या होगा, समान होगा, और वहां पर द्रव्यमान अवश्य परिवर्तित होता है। अल्प मात्रा में ऊष्मीय या प्रकाशीय ऊर्जा ली या निकाली जाती है। अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो बहुत कम मात्रा के अंदर ऊर्जा तो निकलेगी, ऊष्मीय या प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में तो निकलेगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर ऊर्जा ली या निकाली जाती है, यानी कि अब्सॉर्ब की जाती है या फिर रिलीज की जाती है, बहुत कम मात्रा के अंदर। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में या तो निकाली जाएगी या फिर ली जाएगी, बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मीय तथा प्रकाशीय ऊर्जा ली या निकाली जाएगी। अब बात आती है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है। तो देखिए, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलकर पानी में परिवर्तित हो रही है तो ये भी है भौतिक परिवर्तन, और जो पानी है वो अगर वाष्प में बदल रहा है तो वो भी कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, लकड़ी जलकर जब राख बन जाती है तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन, क्यों, क्योंकि हमें नया पदार्थ मिल रहा है राख, और राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते, इसलिए ये कौन सी हो गई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। क्योंकि पानी और खाना पकाने वाले तेल दोनों ही द्रव हैं, परंतु इनके रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। पानी जो है
वो भी द्रव है और खाना बनाने वाला जो तेल है वो भी द्रव है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि इनके रासायनिक जो गुण है वो अलग अलग होते हैं। हम जानते हैं कि तेल हवा की उपस्थिति में जलता है, जबकि जल आग को बुझाने का काम करता है। रासायनिक गुणों के कारण जो तेल है वो तो आग को जलाने का काम करता है, जबकि जो जल है वो आग को बुझाने का काम करता है। तेल का यही रासायनिक गुण जल से इसे भिन्न करता है। दहन या जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब किसी भी चीज को जलाया जाता है तो यह क्या होगा? एक रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा? मैंने आपको बता दिया, लकड़ी को अगर जलाकर राख में बदल दिया जाता है तो राख से वापस लकड़ी नहीं प्राप्त की जा सकती, और इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कौन सा होता है? अनुत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किस में होता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है। जलने के दौरान एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन लाने में है। यहाँ पर रासायनिक जो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उसके जो रासायनिक गुण है वो भी परिवर्तित हो रहे हैं। जो गुण लकड़ी में थे वो राख में नहीं है, तो यहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन है उसकी वजह से रासायनिक गुण है वो भी चेंज हो गए, तथा जिसके कारण हम नया पदार्थ पाते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन है उसके रिजल्ट के अंदर हमारे को एक नया पदार्थ मिलता है। जैसे लकड़ी को जलाकर राख मिली, तो लकड़ी और राख दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, हमारे को एक नया पदार्थ मिल रहा है, राख। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। जैसा कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होंगे, फिजिकल भी होगा और केमिकल भी होगा। फिजिकल कैसे होगा? उसकी साइज जो है वो धीरे 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 पिघलकर कम हो जाती है, और जो उसके अंदर जो हमने बत्ती यूज की है वो धीरे धीरे जलकर और राख में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन भी हो गया, पहले वो एक बत्ती थी और फिर राख में परिवर्तित हो गई, और जो मोम है वो पिघलकर नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पर केवल उसके आकार में परिवर्तन हुआ है। जो उसके नीचे की तरफ जो मोम है वो अभी भी मोम ही है, उसके अंदर किसी प्रकार का जो भौतिक उसके गुण है उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो उसके अंदर भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री के अंदर अवेलेबल हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।